हिंदी सत्र में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। मेरे सत्र में हम अभ्यास दो स्टेप वन और टू पे डिस्कशन कर रहे हैं। अभ्यास दो स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास है, यानी चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास है। पूरी प्रकृति को देखें तो दो तरह की वास्तविकताएं हैं, चैतन्य और जड़। चैतन्य को समझने के लिए हम लोगों ने अभ्यास एक किया, मैं चैतन्य का ही हूँ और मैं अपने भाव को देख रहा हूँ, उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ और चैतन्य में परिमार्जन के लिए काम कर रहा हूँ। उसी तरह से अब अभ्यास दो कर रहे हैं, जिसमें चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास हो रहा है। शरीर एक जड़ इकाई है और जैसा उन्होंने पूरे सत्र का परिचय लेते समय अध्ययन किया था कि किस तरह से मैं क्या आवश्यकता, शरीर क्या आवश्यकता भिन्न है, किस तरह से मैं की क्रियाएं शरीर की क्रियाएं भिन्न है, किस तरह से मैं में जो रिस्पॉन्स है, शरीर में जो रिस्पॉन्स है वह भिन्न है। इससे हमें इसका काफी अनुमान लग जाता है कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। उसको जब अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचते हैं तो भी ये बात अपने को स्वयं से दिखाई देने लगती है कि हाँ, ये बात तो ठीक है। अब उसी को थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं कि हमने अपनी सहज स्वीकृति पे जांचने का जो अभ्यास किया उसको और गहराई देने के लिए एक शुद्ध दृष्टा के रूप में उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभ्यास दो में हम मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं के शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं और शरीर के बीच हो रहे आदान प्रदान को ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा हम लोगों ने शुरू में ही कहा था कि मूल दो ही मुद्दे हैं जहां मानव जाति फंसी हुई है। एक तो हम दूसरे से मिलने वाले अनुकूल भाव से सुख पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिसमें ना तो निरंतरता होती है, ना निश्चितता होती है, परतंत्रता होती है। वैसे ही अभ्यास दो को अगर देखें तो एक दूसरा जो हमारी प्रतंत्रता है वो यह है कि हम शरीर से अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसमें भी न तो निश्चितता होती है, ना निरंतरता होती है, परतंत्रता होती है। तो ये बात हमें अपनी कल्पनाशीलता में तो ठीक से बैठ जाती है, परंतु मुद्दा ये है कि अगर शरीर में होने वाली संवेदनाओं पे जो सुख के मेरी निर्भरता बन गई है ना, उससे अगर मैं स्वतंत्र होने का प्रयास करता हूँ तो किस प्रकार से होगा। उसके लिए ये अभ्यास कर रहे हैं कि मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे कैसे मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं और जो शरीर में होने वाली संवेदनाएं हैं ये सुख का स्रोत नहीं है बल्कि एक सूचना है। ये सूचना मुझ तक पहुंचती है और आगे मुझ में क्या घटनाएं होती हैं उसको अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे अभ्यास एक में ये बात हुई थी कि इस अपने आप में इस ऑब्जर्वेशन को बनाए रखना है कि मेरा भाव क्या है, हर क्षण इस बात को बनाए रखना है कि मेरा भाव क्या है। वैसे ही अभ्यास दो में अगर देखें तो शरीर से मुझे संवेदना मिल रही है और इस ऑब्जर्वेशन को भी मुझे अपने आप में हर क्षण बनाए रखना है, किस तरह से मुझे संवेदना मिल रही है, किस तरह से मैं शरीर को संकेत दे रहा हूँ। जितना जितना इस काम को हम सटीकता से बारीकी से कर पाएंगे उतना शरीर के ऊपर मेरे सुख की जो निर्भरता है वो कम होती जाएगी। इस शरीर के ऊपर सुख की निर्भरता होना ही होना भी एक परतंत्रता है। तो उसमें मूल मुद्दा यह है कि मैं और शरीर ये दो वास्तविकताओं को मैं अलग अलग नहीं पहचान पाता तो अपने आप को शरीर मान के जीता हूँ। जैसे अपने आप को शरीर मान के जीता हूँ तो शरीर में होने वाली घटनाओं से ही अपने में आराम पाने का प्रयास करता हूँ और उसमें मैं परतंत्र हो जाता हूँ। जब मैं शरीर में होने वाली घटनाओं से सुख स्वयं में सुख पाने का प्रयास करता हूँ तो अपने संबंधी के लिए भी यही कार्यक्रम बनाता हूँ। जो अपने संबंधी के लिए एक कार्यक्रम बनाता हूँ उसके लिए भी पूरा नहीं पड़ता, मेरे लिए भी पूरा नहीं पड़ता, तो संबंध भी खराब होता है। फिर इसको जुटाने के लिए जो मैं समाज में सारे उपक्रम बनाता हूँ तो समाज में भी ना कहीं मैं अव्यवस्था का स्रोत बन जाता हूँ, प्रकृति में भी दोहन शोषण का स्रोत बन जाता हूँ। ये बहुत ही मौलिक मुद्दा है। सुख का स्रोत स्वयं में दिखाई दे इसके लिए बहुत ही मौलिक मुद्दा है कि ये जो शरीर से मिलने वाली संवेदना से होने वाले सुख की जो मान्यता बन गई है, जो परतंत्रता बन गई है ना, उससे हम निवृत्त हो पाए। तो कल जो उन्होंने असाइनमेंट किया था कि अभ्यास दो स्टेप वन एंड टू की जांच परख करते हुए शरीर में होने वाली विभिन्न संवेदनाओं का निरीक्षण करने का प्रयास करें। क्या आप शरीर में होने वाली संवेदनाओं को हर समय पढ़ते रहते हैं या कभी कभी? क्या आप शरीर की सभी संवेदनाओं को पढ़ रहे हैं या उनमें से कुछ को पढ़ रहे हैं?
आप इन संवेदनाओं किस आधार पर पढ़ रहे हैं? तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई प्रश्न है वो भी रख सकते हैं। जिन लोग का हैंड पहले से रेज है, लगता है कि अंग्रेजी सत्र से नहीं है, तो प्रश्नों ले लेते हैं या शेयरिंग हो तो उसको ले लेते हैं। नमस्ते भैया। भैया जब ये अभ्यास दो का ये फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं ना, तो इसमें यह है कि जब मैं देखता हूँ कि जैसे आँख बंद करके मैं बैठता हूँ तो जो शरीर की जो सेंसेशन है वो मुझ तक पहुँचती ही होती है, वो तो पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि बाहर से जैसे कोई आवाज़ हो रही है तो मेरे शरीर से नहीं है, है ना। जैसे मान लीजिए डॉगी भौंक रहा है तो वो भी मेरे तक पहुँच रही है। तो ये दोनों ही मतलब जब मैं वैसे देखता हूँ, अब फिर ये कहा गया कि आप ये देखिए कि ये दो प्रकार की क्रियाएं हैं, एक है फिजियोकेमिकल है और दूसरी आपकी स्वयं में। तो जब मैं दूसरी स्वयं वाली क्रियाएं यानी अपने भाव विचार तो दिखते हैं, है ना, इस बार ये फायदा हुआ कि वो दिखने लगे ठीक से, लेकिन जो ये बाहर से जो ये सूचना है मेरे में आ रही है यानी सेल्फ में मेरे में आ रही है, तो वो जो शरीर की जो आ रही है और जो बाहर शरीर के बाहर से जो आ रही है वो उनमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। तो ये क्या मतलब, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ? मतलब जैसे वो एक ही टाइप की जैसे वो भाव विचार नहीं है ये पता चलता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्या मेरे लिए, जी या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? नहीं, अगर देखें तो ऐसा पूरा गड़बड़ नहीं है, क्योंकि शरीर के बाहर जो भौतिक रासायनिक घटनाएं हो रही हैं वो भी शरीर के माध्यम से ही मुझ तक पहुंच रही हैं। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, है ना, ये मोबाइल के माध्यम से ध्वनि पहुंच रही है, तो मोबाइल से ध्वनि शरीर में जाती है फिर शरीर से मुझ तक आती है और मैं उसको पढ़ता हूँ। वैसे ही जब आपसे मोबाइल पे बात कर रहा हूँ तब भी शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, सांस चल रही है, हृदय धड़ रहा है, शरीर में और जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हो रही सब हो ही रही हैं, वो सूचनाएं भी मुझ तक आ रही हैं। तो एक बार शरीर में जब वो संवेदना के रूप में उत्पन्न हो रहा है तो संवेदना ही है, उसका स्रोत चाहे शरीर में होने वाली घटना हो चाहे बाहर होने वाली कोई घटना हो, है तो संवेदना ही। ठीक है भैया, ठीक, थैंक यू। बढ़िया भैया जी भैया नमस्ते सभी को। भैया मेरे भैया फिर से जैसे अभी चौथे साइकिल में भी मैंने थोड़ा सा शार्पन करके ऑब्जर्वेशन देखना चाहा, तो पुराने जो अभी मेरे अभ्यास है उसी के आधार पे मैंने फिर से एक बार और देखा और उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा अपने को यह देखना है पहली स्टेप में कि शरीर अलग है और सेल्फ अलग है, तो मैं ये देख पाया भाई अभी जैसे काफी ट्रैवल किया और कल भी कुछ ट्रैवलिंग था, तो जो बॉडी में सेंसेशन होता है पर्टिकुलरली अपन जो मतलब ये जो भी अपने जोर से मतलब मूत्र त्यागने की जो भावना है मॉर्निंग से, तो ये हम जगह देख के ही करते हैं यानी इस पर ये हमारा सेल्फ का ही कंट्रोल है, हम कभी भी कहीं भी कुछ नहीं करते, हम भले ही बॉडी ने सेंसेशन दिया है लेकिन जब तक वो सुटेबल कंडीशन जिसे बोलेंगे सेल्फ बताता नहीं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी होती नहीं, जैसे अगर दूसरा एक है कि सेल्फ का इशारा मतलब अनवायर ट्रांजेक्शन, जब कोई गाड़ी कहीं रुक जाती है और दूसरे कहीं वो एक्टिविटी करने लगते हैं तब सेल्फ बॉडी को इशारा देता है कि ये सही टाइम है अभी आप कर सकते हैं, तो वो हिसाब से भैया मैं एक कल देख पाया, जरा ज्यादा घूम रहा था अभी क्वेश्चन चल रहा था। जी भैया थोड़ा सा जी कुछ ठीक बात बता। है। देखिए अब इसमें ये भी कर लेना कि जब इस तरह की शेयरिंग हम कर रहे हैं तो सेल्फ हो जाए मैं कह लें कि मैं शरीर से भिन्न हूँ जी तो और जी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, नहीं तो सेल्फ कहने से ऐसा लगता है कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है, मैं हूँ शरीर है सेल्फ है। एक बात तो ये अगर हम अपने ध्यान में ले आए कि जब जी सेल्फ की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब शरीर में कोई दबाव बना है ना, जैसे जी पेशाब का दबाव बना ठीक है ना, जी जी तो मैं निर्णय लेता हूँ कि इस पे इसके अनुसार कब अपने को एक्टिव होना है। जी तो संवेदना मुझे आती है उसको मैं अर्थ देता हूँ, इसको हम लोग जी आगे अध्ययन करेंगे, स्टेप 5 में ये अध्ययन करेंगे, तो जी मैं जी उसको अर्थ देता हूँ। अब उसके आधार पर फिर मैं निर्णय लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ठीक है अभी है ना इसको
इतना प्रबल दबाव नहीं है तो हम उसको अलाउ करते हैं, ठीक है बैठे रहिए। जब जी लगता है कि ऐसा कोई अवसर आ गया तो फिर हम उसके लिए निर्णय लेते हैं। ऐसे ही आप भिन्न भिन्न क्रियाओं में देखेंगे, जी जैसे आप कहीं मीटिंग में हैं और खांसी आ रही है, ठीक, जी तो आप काफी हद तक उसको रोक ही पाते हैं कि ठीक है अभी खांसना ठीक नहीं है, मीटिंग डिस्टर्ब होगा, या जी खांसना ही है तो आप बाहर चले जाते हैं, तो आप एक अलग तरह जी से निर्णय लेते हैं। घर में बैठे हैं तो ऐसा हम निर्णय ही नहीं लेते हैं। तो जी शरीर में जो संवेदना हो रही है उस तक पहुंचती है, अब उसको जो मैं अर्थ देता हूँ वो मैं अपने आधार पर देता हूँ। जी और अभ्यास एक और दो को अगर आप देखें तो यहाँ पर कनेक्ट होता है कि वहां पर भी जो मेरे अंदर भाव बन रहे थे वो मेरे संस्कारों पर निर्भर थे, जी मैंने क्या माना हुआ है या समझा हुआ है। यहाँ पे भी जी जो हम अर्थ देते हैं वो मेरे संस्कारों पर निर्भर है, मैंने क्या माना हुआ है या समझा हुआ है कि नहीं। जी तो आप बिल्कुल देखेंगे कि शरीर से संवेदना आती है, पर उस संवेदना को पढ़कर मुझे क्या निर्णय लेना है, ये निर्णय मेरा ही होता है, शरीर का नहीं होता। बिल्कुल 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 जी। मतलब जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे अभी आपसे बात भी करना है, हैंड रेज भी करना है, तो सभी मतलब ये मतलब हम बोलेंगे कि प्रोग्राम्ड बाय द सेल्फ, मतलब बराबर है ना भैया, मैं ही सब करता हूँ, बॉडी बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करती है बस। जी, वही, नमस्ते शरीर तो नमस्ते जड़ जी है, शरीर जड़ है, जड़ में कोई मानने की क्रिया होती नहीं है, जी जानने की क्रिया होती नहीं है, तो शरीर जी से सूचना मात्र आती है ना, जी संवेदना के रूप में। फिर मैं उसको पढ़ता हूँ अपने निर्णय के आधार पर, और फिर मैं उसको अर्थ देता हूँ, फिर आगे का निर्वाह करता हूँ। जैसे कि जी आपने पहले अभ्यास किए हुए हैं हाँ तो मैंने पूरी बात अभी आपको रखी, परंतु इसी को अभी हम क्रमशः एक एक स्टेप में देखने वाले हैं। तो जैसे स्टेप वन में हमने इस बात को ऑब्जर्व करने का प्रयास किया कि मैं हूं और शरीर है, दो जी वास्तविकताएं हैं, एक वास्तविकता नहीं है। तो जी इसमें आप मैं और शरीर को बिल्कुल भिन्न भिन्न देख पाए स्टेप वन में ही, ऐसी आशा नहीं है, परंतु कम से कम इतना तो ध्यान में आ जाए कि दो वास्तविकताएं हैं, एक वास्तविकता नहीं है, ठीक है ना। फिर उसे आगे देखेंगे तो पाएंगे कि मेरे और शरीर के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, और ये आदान प्रदान सिर्फ सूचना का है, तो इसमें भौतिक बिल्कुल रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। जो हाँ संवेदना मुझ तक पहुंचती है वह भी एक सूचना है, जो निर्णय मैं शरीर को देता हूँ वह भी एक सूचना है। जी बिल्कुल अब इस बात को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, जो स्टेप टू में बात कही जा रही है, तो आप पाएंगे कि जितना भी हम स्वाद लेते हैं शरीर के माध्यम से, एक सूचना मात्र ही है कि जी नहीं। जितना भी हम स्वाद बिल्कुल ले रहे हैं शरीर से, एक सूचना मात्र ही है। जी, सूचना ही है वो जो आ रहा है, उसको अर्थ देने का काम तो सेल्फ का ही है ना बिल्कुल, जी और भैया। सूचना आती है जल्दी जाती है ना, हम हाँ सूचना को महत्वपूर्ण मानते हैं तो एक तरह से हम निर्वाह करते हैं, महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो दूसरे तरह से निर्वाह करते हैं। छोड़ देते हैं, जो जो महत्वपूर्ण नहीं है उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते, जैसा कि हमने स्टेप वन में भी अभी कंफर्म किया कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल, तो उस हिसाब से ही उसको एनालाइज करके करते, सेल्फ सब करता है फिर बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है वही जी। मतलब मैं तो सारी शरीर क्रिया। में जो संवेदना हो रही है, अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे शरीर की हर कोशिका में संवेदना हो रही है, बट मैं हर कोशिका की संवेदना को नहीं पढ़ रहा हूँ, जी आवश्यकता अनुसार पढ़ रहा हूँ, जितना आवश्यक उतना पढ़ता हूँ। जी जैसे शरीर को हमने बैठा दिया है ना, अब शरीर एक जगह जी बैठा हुआ है, अब जब उसमें पैर सुन्न होने लगता है तो संवेदना मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो फिर पैर में बदल लेता हूँ। जी तो जी जो पैर से आने वाली संवेदना है वो एक समय के बाद काफी तीव्र हो गई, तो मैंने उसको महत्व दिया और बदल दिया। बाकी संवेदनाएं अभी मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं अपने आप में कुछ कर रहा हूँ, कुछ विचार कर रहा हूँ, कुछ भाव को देख रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ अपने आप में, ठीक है ना। तो जो शरीर से आने वाली संवेदना को पढ़ना है, इसमें आप पाएंगे मैं समय समय पढ़ता हूँ, आवश्यकता अनुसार पढ़ता हूँ, हर क्षण नहीं। शरीर को जो संकेत देना है ये भी मैं हर क्षण नहीं करता, आवश्यकता अनुसार करता हूँ, समय समय पर करता हूँ। तो जब पैर झनझनाने लगा तो हमने पैर बदल दिए कि नहीं। तो आप पाएंगे कि हम बैठे हुए रहते हैं तो लगभग हर हाँ 1-2 मिनट पे आप अपने में कुछ हिलना डुलना कर लेते हैं, कुछ हाँ अपनी अवस्था बदल लेते हैं, पैर बदल बिल्कुल लिया या थोड़ा सा पोस्चर बदल लिया है ना, थोड़ा सीधा हो गए, थोड़ा झुक गए, एंड सो ऑन। जी तो कोई जी संवेदना आती है ना, उसको मैं उस समय महत्वपूर्ण मानता हूँ, पढ़ लेता हूँ और उसके अनुसार निर्वाह करता हूँ। जी बढ़िया भैया, जी भैया, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद सभी को। नमस्ते। ये गृह कार्य हमने लिया था।
स्वयं द्वारा शरीर को दिए जा रहे संकेतों को देखना है। क्या मैं ये संकेत हर क्षण दे रहा हूँ या कभी कभी, क्या लगता है आपको? इस पे अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, जो कल उन्होंने चर्चा के दौरान जो असाइनमेंट दिया था। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें अपने आप में, चाहे तो इसके लिए 1 मिनट ले लें, फिर विचार करके अपने को रिस्पॉन्स नहीं देना है, इसको ऑब्जर्व करना है। क्या मैं शरीर को संकेत हर क्षण दे रहा हूँ या कभी कभी? अगर लगे कि हर क्षण दे रहा हूँ तो हर क्षण लिख देंगे, कभी कभी दे रहा हूँ कभी कभी कर देंगे। ये अपने को लग सकता है कि हर क्षण कर रहा हूँ तो हर क्षण लिखेंगे, अगर लगता है कभी कभी कर रहे हैं कभी कभी लिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि अभी लग रहा है हर क्षण कर रहा हूँ, फिर थोड़े समय बाद नहीं कभी कभी कर रहा हूँ। जो शरीर को मैं संकेत देता हूँ क्या लगता है? और एक के बाद एक क्षण देता ही रहता हूँ या जब आवश्यकता होती है तब देता हूँ? इसको चाहे तो हम 5 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी 5 मिनट इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। स्टेप 1 को ही ऑब्जर्व करना है, यानी कि स्टेप 2 के, है ना, पार्ट 1 को ऑब्जर्व करना है कि मैं जो शरीर को संकेत दे रहा हूँ हर क्षण दे रहा हूँ या कभी कभी दे रहा हूँ। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर शेयरिंग को लेंगे। ये ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। बढ़िया, तो 5 मिनट ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। देखना है कि मैं शरीर को संकेत दे रहा हूँ तो कभी कभी दे रहा हूँ या हर क्षण दे रहा हूँ। बढ़िया, तो इसको हमें देखना है, क्या मैं संकेत हर क्षण दे रहा हूँ कभी कभी। तो इसको मान नहीं लेना है, जैसे चर्चा में ये बात निकल कर आती है कि कभी कभी देता हूँ, परंतु इसको मानने से शुरू नहीं करना है, इसको बिल्कुल ओपन रखना है। जितना आप इसे ओपन रखेंगे उतना आप एक प्योर ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करेंगे। जितना आप इसे मान कर शुरू करेंगे कभी कभी होता होगा, ऐसा कहा जा रहा है तो ठीक ही कहा जा रहा होगा, उतना आप कंडीशन होकर देखेंगे तो आप तुरंत कहेंगे कि हाँ कभी कभी ही तो दिख रहा है, ठीक तो बात कही जा रही है और इतने बात पूरी हो गई। उससे क्या हुआ कि संवेदना को ठीक ठीक जो ऑब्जर्व करना है वो बात पहुंची नहीं हम तक। संवेदना किससे कह रहे हैं हो सकता है वो भी ठीक से अर्थ अपने में पहुंचा नहीं, देखना किसे कह रहे हैं वो भी ठीक से अपने आप में अर्थ पहुंचा नहीं। तो जब इसे बिल्कुल ओपन रख के देखेंगे, है ना, कि बात ऐसी भी हो सकती है अन्यथा भी हो सकती है, तो हमें इस निष्कर्ष नहीं पहुंच जाना है तुरंत कि कभी कभी देखा जा रहा है। अगर पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, उपलब्धि की बात है। जो साथी पहले से ये सत्र करते रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहे हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि जो अभ्यास है सिर्फ सुबह के सत्र में नहीं हो रहा है, कई सारी मीटिंग्स में भी हो रहा है, तो अगर आप इसको करते रहे हैं और इसको देख पाए हैं बहुत सुंदर बात है, परंतु आप देख पाए हैं यही सुंदर बात है, आपने मान लिया है तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसको अपने को और ओपन अप कर लेना है। हो सकता है जब आप इसे बिल्कुल ओपनली ऑब्जर्व करें तो आपके कुछ फ्रेश ऑब्जर्वेशन आए, कुछ फ्रेश प्रश्न आए, कुछ नए तरह के जिज्ञासा उत्पन्न हो, है ना, और उस क्रम में हो सकता है आपको मैं और शरीर का अंतर और स्पष्ट होने लगे। ये जब मैं कह रहा हूँ कि मैं संकेत दे रहा हूँ तो मुझ में कौन सी क्रिया संकेत दे रही है, संकेत क्या होता है, ये देना क्या होता है, कब कहूंगा कि शरीर को संकेत दिया, कब कहूंगा कि स्वयं में ही विचार पूरा कर लिया, ठीक कैसे तय होगा? अब मैं इसको बिल्कुल ओपनली ऑब्जर्व करता हूँ। तो जब हम प्योर ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये कि मुझे किसी सूचना के आधार पर किसी निष्कर्ष को नहीं निकालना है, उसको बिल्कुल एक प्योर ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करना है। इसमें समय कितना भी लग जाए, है ना, बट यदि वो प्योर नहीं रहा ऑब्जर्वेशन, कंडीशन हो गया तो बात पूरी नहीं पड़ी, अशुद्ध हो गया ना, शुद्ध दृष्टा के रूप में देखना नहीं पड़ा, हमने इसमें कोई सूचना मिला दी, कोई मान्यता मिला दी, कोई आशा जो बनी हुई है पहले से कि ऐसा ही दिखना चाहिए वो मिला दिया, तो शुद्ध दृष्टा रहे नहीं। और आप पाएंगे कि हम किसी भी स्टेप को जब एक शुद्ध दृष्टा के रूप में पूरा करने का प्रयास करते हैं
तो आप इसी विधि से अन्य स्टेप्स को बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं, उन निष्कर्ष निकलते चले जाते हैं। तो कहीं पे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे अपने भाव को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे संवेदना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या शरीर और मेरे बीच हो रहे आदान प्रदान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल ओपन रखें, बिल्कुल ओपनली ऑब्जर्व करें, है ना। आप पाएंगे कि यह काम तो सरल है, परंतु हो सकता है हमारे लिए शुरू में बहुत कठिन हो, क्योंकि हम एक निष्कर्ष पे पहुंचने के आदी हैं, ठीक है ना। तो पहले हम किसी समस्या में थे, कई सारे निष्कर्षों के आधार पर, कई सारे मान्यताओं के आधार पर, अब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया है और बात हमको सहज से स्वीकार हो रही है। तो एक समय तक हमने ऑब्जर्व किया उसको अपने आप में सहज स्वीकृति के आधार पर, उसका हम मानते चले गए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आगे गति हमारी रुक जाएगी। तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ साथी हैं वर्कशॉप के, बहुत उत्साहित हुए, बात उनको ठीक भी लगने लगी, बट एक समय के बाद फिर उनको बात कम सुख कर लगने लगी, है ना, अन्य बातों में ज्यादा सुख लगने लगा, तो फिर हम वापस जाकर उसी ढंग में जीने लगे। ऐसा इसलिए होता है कि हमने शुरू में कोई बात सुनी, सहज से हमको स्वीकार हुई बात, हमने उसको थोड़ा जी का भी देखा, बात ठीक लगी, परंतु उसके बाद हम उसको ठीक मानने लगे, और चूंकि मानने का ही अभ्यास था और इसको भी ठीक मानने लगे, तो फिर कोई पुरानी मान्यता हावी हो गई। अगर मानने के अभ्यास से आगे निकलकर हम शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने का अभ्यास करने लगे, तभी बात पूरी पड़ेगी। जी जी भैया नमस्ते। मैं अभी कुछ शरीर की क्रियाएं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक आराम जगह पे बैठा हूँ और शांति से सब देख रहा था, तो एक स्थिति ऐसी आई कि पैर में कुछ दर्द हो रहा है तो मैंने उसको हटा लिया, ये भी मैंने देखा। पहले तो उसको आराम लग रहा था, फिर बाद में वही जो अवयवों का जो है, एक स्थिति में अवयव नहीं रह सकते क्योंकि उसका भी मूवमेंट भी जरूरी लग रहा है, ऐसा हो रहा है कि और जब मूवमेंट करता हूँ तो भी दर्द का भी मुझे वो अवयवों का एहसास हो रहा है, ऐसा मेरा ये ऑब्जर्वेशन बन रहा है, देख पा रहा हूँ, ये सीधा सीधा मैं देख पा रहा हूँ कि एक स्थिति में शरीर को भी रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो जी भैया ये इस तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्या कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। जी भैया जी, तो एक ही स्थिति में रखना शरीर को ऐसा आवश्यक नहीं है, बस इतना देखने कि जब भी आपने स्थिति बदली तो आपने उसके पहले कोई संकेत दिया। जी भैया जैसे आपने पांव खोले, पांव अपने आप नहीं खुल गया, आपने कोई संकेत दिया पांव खोलने का, तभी तो खुला। जी भैया जी भैया ठीक है ना, जी और ये भैया संकेत आपने दिया, अच्छा जी भैया जी 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 और ये आवश्यकता अनुसार दिया। हाँ जी भैया हाँ, ठीक है ना। लेकिन और पहले मुझे पहले आवश्यकता लगी ना, पहले मुझे आवश्यकता लगी, ऐसा होता है। आवश्यकता भी कैसे लगी कि पैर से हाँ कोई सूचना आई आप तक, जी भैया है ना, पैर में कोई झन्नाहट हुई, कोई खुजली हुई, जी कि भैया पैर कहीं सुन्न हुआ, तो जी आप तक भैया सूचना आई, ठीक है ना। जी और भैया उसका मतलब इतना ही है कि फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कहीं प्रभावित हो रहा है, और आप हाँ शरीर के प्रति कंसर्न है, शरीर के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव बना हुआ है आपके अंदर, जी भैया तो इसमें संवेदना बहुत प्रतिकूल ना हो जाए, ताकि शरीर का स्वास्थ्य न बिगड़ जाए, तो आप पैर खोल लेते हैं। जी भैया तो जब सूचना आई, है ना, मैंने उसको पढ़ा और फिर मैंने उसके अनुसार निर्वाह किया। तो पहले ये हो सकता है धन्नाट की या सुन्न होने की सूचना नहीं आ रही थी, किसी और प्रकार की सूचना आ रही थी, सूचना तो आ रही थी किसी और प्रकार की, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। अब जो जी सूचना आई मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है स्वास्थ्य बाधित हो जाएगा अगर मैं पैर ना खोलूं, है ना, तो ये दर्द बढ़ेगा, और दर्द बढ़ेगा तो फिर परेशानी होगी, सूचना बहुत ही प्रतिकूल हो जाएगी हमारे लिए। तो फिर हम वहां जाकर डिसाइड कर लेते हैं ओपन करने के लिए, तो हमने पैर खोल लिए, तो हाँ ये निर्णय हमारा ही रहा, बट इसको आगे और हम अध्ययन करेंगे। और एक संकेत दिया हमने शरीर को, तभी ये पैर खोले आपने। भैया हाँ जी भैया और जी इस जी संकेत में कभी कभी दे रहा हूँ, हाँ जी जी भैया आप पाएंगे कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें मुझे बार बार संकेत देना होता है,
जैसे आप एक पैर पे खड़े हो जाइए, अब आपको शरीर को बैलेंस करने के लिए बार बार संकेत देना पड़ेगा, कभी आगे झुक रहे हैं, कभी पीछे झुक रहे हैं, कभी बाएं कभी दाएं, जी तो आप भैया जी, पूरे समय संकेत देते हैं, है ना? परंतु आप हाँ दोनों पैरों पे खड़े हैं तो आप पूरे समय संकेत नहीं दे रहे हैं, आप बैठ गए और कम संकेत दे रहे हैं, आप टेक लगाकर बैठ गए पीछे और कम संकेत दे रहे हैं, लेट गए और कम संकेत दे रहे हैं जी भैया जी कि नहीं? अब अंगूठे के जी बल खड़े हो गए, पैर के अंगूठे के बल, तो बहुत तीव्रता से आपको संकेत देना पड़ेगा। तो हम जी शरीर से भैया जैसे हरकत करते हैं उसके अनुसार हम शरीर को संकेत देते हैं। जी तो रात को आप लेट गए, है ना, अब एक अवस्था में लेटे हुए हैं, शरीर की अपनी क्रियाएं काम कर रही है, आप शरीर को संकेत नहीं देते हैं। बिजली चली गई है, एक पंखा बंद हो गया या एसी बंद हो गया, और फिर पसीना होने लगा, फिर एक संवेदना आई आप तक, फिर आप कुछ करते हैं, जी या एक भैया ही अवस्था में लेटे हुए हैं, है ना, शरीर में उसके अनुसार कुछ घटना होने लगी, फिर आप करवट बदल लेते हैं। तो आवश्यकता वो हो सकता है आधे घंटे पे आप कोई निर्णय देते हैं, उससे पहले आप कोई निर्णय देते भी नहीं, 1 घंटे में, जी 2 घंटे, भैया कई बार आप पाएंगे कि अगर हमारी नींद ठीक से पूरी हो रही है तो जिस स्थिति में हम रात को लेटे थे उसी स्थिति में उठते हैं, जी भैया अगर हम अंदर से शांत हैं, है ना, ठीक जी है भैया ना, तो हमको इतना सारा संकेत देने की जरूरत ही नहीं है, और शरीर भी स्वस्थ है तो जी भैया इतना सारा संकेत देने की जरूरत ही नहीं है, जिस स्थिति में लेटे उसी स्थिति में उठ गए। और यदि अपने आप में परेशान है, चिंतित है, आप रात को लेटे लेटे कई बार करवट बदलते हैं, जी भैया अगर ना शरीर में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, वायु बन रहा है काफी, तो आप कई जी बार, है ना, शरीर को ऐंठते हैं, इधर उधर करते हैं, ये सब आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं। जी भैया बढ़िया भैया, जी 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 नमस्ते भैया नमस्ते भैया, प्रणाम जी प्रणाम भैया। वैसे तो ये समझ में आया हुआ है कि हम हर क्षण, मैं शरीर को डायरेक्शंस दे रही हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन छोटी छोटा सा एक कंफ्यूजन है कि कई बार हम, जैसे कोई चीज हमने बचपन से सीखी है कि जब जैसे पानी, प्यास लग रही है तो हमें उस प्यास को पानी से बुझाना है, वो हमारे दिमाग में एक बार में सेट है, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम हर बार जब प्यास लग रही है तो अपने आप को डायरेक्शन दे रहे हैं कि पानी पीना है। तो ये क्या हम फिर भी डायरेक्शन दे रहे हैं जो हमें पता नहीं लग रहा, या कि कंडीशनिंग से हम पी रहे हैं? वही तो स्वीकृति हो गई हमारी कि प्यास लगने पे पानी पीना है, गर्मी लगने पे पंखा चला जी देना है, थके हैं तो बैठ जी जाना है, भैया लेट जाना है, तो हमारी स्वीकृति हो गई। तो शरीर के प्रति जिम्मेदारी के भाव से ही हमने निर्णय ले लिया है, तो इसके अलग से विचार नहीं करना पड़ता। निर्णय अभी भी ले रहा हूं मैं, बट बहुत सारा विचार नहीं करता मैं, तो जी भैया निर्णय ले रहे विचार हैं, से हम लेकिन जल्दी मतलब पूरा हो एक जाए। जी, जी भैया विचार से हम जल्दी पूरा हो जा रहा है, तो अच्छा हमारे पास तुलन में जो चॉइसेज हैं वो चॉइस में से क्लियर है। बट यदि आपने, जी है ना, अब गर्मी से आई, आप पानी पीना है, अब दो चॉइस है, नॉर्मल वाटर पीना है, ठंडा पानी पीना है। ठंडा पीने। तो अगर हमारे अंदर ये स्वीकृति बन गई ठंडा पीना है, तो फ्रिज खोलेंगे, जी पानी निकालेंगे, बट जैसे ही आप जी फ्रिज की ओर बढ़े, है ना, आपको याद आया कि देखो कल पिया था, गले में खराश हो गया था, खांसी आ गई थी, अब आप विचार कर रहे हैं ठंडा पीना है कि नॉर्मल पीना है, फिर भी निर्णय हुआ ठंडा पीना है। अब आपने फ्रिज खोला, ठंडा पानी भी रखा है, कोल्ड ड्रिंक भी रखा है, अब विचार करते हैं पानी पीना है कोल्ड ड्रिंक पीना है कि नहीं। अब कोल्ड ड्रिंक भी दो जी तीन तरह भैया के ब्रांड रखे हुए हैं, तो कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीना है? अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर हम उस बात पे सेटल दें कि स्वीकृति बनी है कि नॉर्मल वाटर ही पीना है, ठीक, तो नॉर्मल वाटर पियेंगे, नहीं तो अगर ठंडा पीना है तो ठंडा ही पियेंगे, बट पानी पीना ये अगर तय है तो पानी ही पियेंगे, बट ये भी तय नहीं है तो वहां भी निर्णय लेंगे, फिर इसके लिए विचार करेंगे। जी अब आपने कोल्ड ड्रिंक देखा, भैया 3 तरह की है ना, 2 तरह का तो स्वाद आपको पता है, तीसरे का पता नहीं, तो आप फिर निर्णय लेते हैं कि तो नया ट्राई करना है या पुराना वाला ही पी लेना है, तो आप लोग कहें यार कुछ नया ट्राई किया जाए, अच्छा आप नया ट्राई करते हैं कि नहीं, तो ऐसा चलता रहता है। तो जी शरीर को आप भैया जब जब संकेत दे रहे हैं उसके पीछे आपके अंदर कुछ भाव है, कुछ विचार है ना, अगर वो जी भाव निश्चित है, विचार निश्चित है, तो निर्णय जल्दी पूरा हो जाएगा।
अगर भाव निश्चित नहीं है, जैसे पानी पीना है स्वास्थ्य के लिए पीना है कि स्वाद के लिए पीना है, ये भी हो सकता है। चला गया हाँ तो स्वाद ही मिल जाए पीने की, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि हमारे लिए स्वाद की प्रायोरिटी अधिक है हमारी कंडीशनिंग के अनुसार, तो हम सोचते हैं ठीक है भाई स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ जाए कोई बात नहीं, स्वाद मिलना चाहिए ना। तो ऐसा हो सकता है, कल खांसी आ गई थी पर कोई बात नहीं, आई थी चली भी तो गई थी, कौन सा अभी तक खांसी आ रही है, फिर से पिया जाए, सो ऑन ऐसा चलता जी रहता है। भैया, जी भैया, जी भैया, जी भैया, धन्यवाद भैया। बढ़िया बढ़िया दीदी, भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। भैया एक प्रश्न बनता है इधर, अगर ये सेल्फ में एक कैपेबिलिटी है भैया किसी भी बॉडी में जाने का आने का, क्या अच्छा सेल्फ में एक कैपेसिटी है किसी भी बॉडी में आने का जाने का, अभी तो सेल्फ क्या सक्स है, बॉडी क्या है, उसको ठीक से ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि मैं उसको जब एक वास्तविकता ग्रुप में ठीक ठीक ऑब्जर्व कर पाता हूँ तो बाकी निष्कर्ष निकलने लगते हैं। जब मैं हाँ देख भैया पाता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ हूँ, और ये भी देख पाता हूँ कि शरीर के साथ जो भी निर्वाह करता हूँ वो मेरा निर्णय होता है और निर्णय कोई आधार होता है, तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे आप पाएंगे कि विचार में ही दिख जाती हैं कि हाँ अगर ऐसा ऐसा होता है तो आगे भी ऐसा होगा। तो अगर मैं इस बात को ठीक ठीक ऑब्जर्व कर पाता हूँ, है ना, इस नियम को देख पाता हूँ कि कैसे मैं बना हुआ हूँ, कैसे शरीर बना हुआ है, कैसे मेरे और शरीर के सहस्तित्व तो बना हुआ है, तो जो घटनाएं हैं शरीर का छूटना, शरीर का लेना, है ना, इन सब चीजों को मैं अपने आप में ही निश्चय कर पाता हूँ, तय कर लेता हूँ कि हाँ इसी प्रकार से होता हूँ। क्योंकि मुझे शरीर और मेरे बीच होने का आदान प्रदान जो है, जो आदान प्रदान हो रहा है वो साफ साफ दिख रहा है, तो उसके आगे की भी बात समझ में आती है, पीछे की बात समझ में आती है। अभी भी दिखता है कि शरीर को अगर कोई हरकत भी करनी है तो मेरा निर्णय होता है, तभी शरीर हरकत करता है, और मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ हूँ। तो उस समय भी जो हरकत हुई है, जब मैंने शरीर को स्वीकारा, उस समय भी जो हरकत हुई है, जैसे मैंने शरीर को छोड़ा, तो सब मेरा ही निर्णय है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये देखने का है कि मैं शरीर से भिन्न जो इकाई हूँ वह एक निरंतर बने रहने वाली इकाई हूँ। इनफैक्ट इसको जितना जितना आप देखेंगे स्पष्ट रूप से अपने आप को शरीर से भिन्न, वो निरंतरता पता लगने लगती है, क्योंकि तो शरीर में सामयिकता दिखती है, क्षणिकता दिखती है, अपने आप में देखते हैं तो निरंतरता दिखाई देती है। तो इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है, और अगर मैं इसको सिंपली एक सूचना के रूप में दूंगा तो हो सकता है कोई नई मान्यता बन जाए कि हाँ अच्छा ऐसा कहा जा रहा है, UHV में ऐसा कहा जा रहा है ना, कहीं हाँ भैया और पे कुछ और कहा जा रहा है, कहीं और पे कुछ और कहा जा रहा है, ऐसी एक मान्यता भर बन जाएगी। उसमें कोई उपलब्धि नहीं, तो हमने अपने विचार में चार पांच सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना लिया है कि ए ऐसा कहते हैं, बी ऐसा कहते हैं, सी ऐसा कहते हैं, डी ऐसा कहते हैं, ई ऐसा कहते हैं, हमारा जो प्योर ऑब्जर्वेशन है रुक गया। प्योर ऑब्जर्वेशन क्या है भैया, जी प्योर ऑब्जर्व मतलब जो दृष्टा के रूप में देखना है वही प्योर ऑब्जर्वेशन, वो तो छूट मैं जाए। आपको चैतन्य इकाई के रूप में देखूंगा, शरीर को जड़ के रूप में देखूंगा, चैतन्य जड़ के अस्तित्व को देखूंगा। हाँ भैया हाँ और भैया अच्छी हाँ बात भैया यह है कि जब आप इसको देखते हैं ना तो शरीर को देखते देखते पूरा जड़ संसार स्पष्ट हो जाता है, अपने आप को देखते पूरा चैतन्य संसार स्पष्ट हो जाता है। हाँ भैया ठीक है, बहुत बढ़िया है। मुझे ऐसा लगा भैया वो बॉडी हमारे बॉडी में कौन वो मई 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 किसी का भी मई आ जा सकता क्या, ऐसा था अगर अगर मेरे बॉडी से मई मई छूट छूट जाने के बाद भैया हाँ किसी भी अलग 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 सेल्फ मेरे बॉडी में अभी आ सकता। देखिए अभी अभी तो शरीर का छूटना भी क्षमता क्या है है, शरीर का छूटना भी क्या है, शरीर से जुड़े रहना भी क्या है, अगर स्पष्ट नहीं है तो बात स्पष्ट नहीं होती, एक सूचना के रूप में आ जाएगी। तभी आप शरीर से जुड़े हुए, किस प्रकार जुड़े हुए, क्यों जुड़े हुए, को तभी एग्जिस्टेंस नहीं, वो तो एक शब्द हो गया कि है ना जुड़े हुए कोएग्जिस्टेंस है, परंतु आप किस प्रकार जुड़े हुए शरीर से, ये हमको दिखता है कि नहीं, नहीं दिखता है तो उसको देखेंगे।
तो शरीर जब तक स्वस्थ बना हुआ है और शरीर मेरे लिए महत्वपूर्ण साधन है तो मैं शरीर से जुड़े रहता हूँ। जैसे अभी आपको निर्णय लेना हो कि मुझे शरीर को छोड़ देना है, तो आप देखिए आपके अंदर कितने तरह की शंकाएं और प्रश्न उत्पन्न होंगे, कितने तरह का भय उत्पन्न होगा। हाँ भाई हाँ तो हम ऐसे ही शरीर को नहीं छोड़ देंगे, कोई शरीर में प्रतिकूल घटना होगी जब ये साधन की तरह नहीं काम करेगा, उपयोगी नहीं रह पाएगा, तभी छोड़ेंगे। तो जब हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो किसी अन्य चैतन्य निकाय के लिए उपयोगी नहीं है कि नहीं? तब हाँ भाई हाँ भाई इसको ऑब्जर्व करें, है ना, इसको ऑब्जर्व हाँ करेंगे तो बाकी आपको बातें ठीक ठीक अपने आप में स्पष्ट होने लगेंगी। अदरवाइज वो सूचनाओं का एक और कलेक्शन बन जाएगा अपने पास। हाँ भाई थैंक जी बढ़िया यू भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, चैट बॉक्स में मैसेज है, देख लेते हैं। रुकने के संकेत हम देते हैं और कुछ समय रोक पाते हैं, लेकिन सांस चलने का संकेत भी हमने दिया है क्या? क्योंकि सांस चल रही है, इसको भी ऑब्जर्व करें। सांस जो चल रही है वो किस प्रकार चल रही है, तो आप पाएंगे कि इसको अगर हम शरीर को समझें तो शरीर प्राण कोशाओं से बना हुआ है। तो जो प्राण कोशाएं हैं उसमें संकुचन प्रसारण होता रहता है, उस संकुचन प्रसारण के साथ वायु का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे पौधा है, पौधे के एक कोशिका में संकुचन प्रसारण हो रहा है, उसमें श्वास यानी कि वायु का आदान प्रदान हो रहा है, वैसे हमारे शरीर में भी हो रहा है। तो पेड़ पौधों में क्या हो रहा है कि हर कोशिका सीधे सीधे आदान प्रदान कर रही है। हमारे शरीर का तंत्र ऐसा है कि हम नाक से श्वास का आदान प्रदान करते हैं, एक अलग तरह का सिस्टम बना हुआ है पेड़ पौधों के मुकाबले। तो कोशिकाओं में संकुचन प्रसारण हो रहा है, वायु का आदान प्रदान हो रहा है, परंतु वायु अंदर जाएगी या बाहर आएगी, है ना, ये नाक के माध्यम से हो रहा है। और मेरे अंदर स्वीकृति बनी हुई है कि शरीर को जीवंत बनाए रखना है, कि स्वीकृति के साथ वो निर्णय भी बना हुआ है कि हाँ वायु की मांग होती है शरीर से तो सांस अंदर जाने देना है, और ये जो दूषित वायु है बढ़ गया तो सांस बाहर आने देना है। ये निर्णय मेरे अंदर बना हुआ है, परंतु जब भी चाहूँ मैं इस निर्णय को बदल पाता हूँ। कोई आपसे कह दे कि नहीं भाई आप बहुत तेजी सांस लेते हो, इससे आपकी आयु छोटी हो जाएगी, आप गहरी सांस लीजिए और देर तक छोड़िए। अब आपके अंदर ये अगर स्थिति बन गई तो आप पाएंगे सांस की गति आपकी बदल जाती है, आप लंबी गहरी सांस लेते हैं और देर तक छोड़ते हैं। फिर तो अब क्या हो गया, सांस अभी भी चल रही है पर उसकी गति बदल गई। कैसे बदल गई? हमारे निर्णय से। हमारा निर्णय कैसे बदल गया? मानने से। तो ऐसा रहता है। वैसे ही हम देख सकते हैं जो पार्ट टू है असाइनमेंट का, कि शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखना है। क्या मैं इन संवेदना, हमने उसको महत्वपूर्ण माना, फिर हमने पैर को संकेत दिया, धड़ को संकेत दिया, फिर शरीर उठा कुर्सी से, फिर हमने ना आसपास वस्तुएं रखी हुई हैं उनका पढ़ा, कौन वस्तु कहाँ रखी हुई है, मेरे चलने का रास्ता किधर से है। तो फिर मैं जो बीच का रास्ता है जहाँ जगह बना हुआ है चलने के लिए, वहां से चलना शुरू किया। फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने दरवाजा खोला या पहले मैंने लाइट ऑन किया, है ना। अभी सब कुछ चीजों को देखिए, धीरे धीरे देखिए, क्रमशः देखिए, और देखिए कि कैसे आपका संकेत दिया जा रहा है शरीर को, कैसे संवेदना को पढ़कर आप निर्णय ले रहे हैं अपने आप में। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते चलेंगे तो जो शरीर से होने वाली हरकतें हैं ये आपको और स्पष्ट होगा। जैसे अभी हम बहुत सारी हरकतों के बारे में मानते हैं कि अपने आप होती है, जैसे आंखों के सामने कीड़ा आ गया, पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं, कोई आहट हुई जोर से हम अपने आप दूसरी तरफ झुक जाते हैं, है ना। इनको भी आप देखिए कि अपने आप होता है या आपका निर्णय होता है। जी भैया प्रणाम जी प्रणाम। भैया बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस को धीमे करके देखना समझ में आता है और उससे वाकई में समझ में आता है कि किस स्टेप से धीरे धीरे कि हाँ एक कई टुकड़ों में हम अपने शरीर से संवाद करते हैं जो हमारा सेल्फ है। लेकिन वो सांस वाली बात है ना भैया वो मुझे थोड़ी सी
अभी भी उसमें अटका हुआ है, मन अटका हुआ है कि हालांकि मैंने सुना है कि कई योगी हैं जो अपनी सांस को नियंत्रित कर लेते हैं, कुछ कुछ एक आध घंटे भी कई लोग हैं जो उसको रोक पाते हैं, लेकिन हम ये जो इनएडवर्टेंट क्रिया है शरीर को चलाने की, जैसे सहमति बनी हुई है लेकिन हम एक सीमा के बाद सांस रोक नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। ये मुद्दा भी नहीं है ना, हाँ बट इसको आप ऑब्जर्व करिए। जैसे आप सांस को रोकने का निर्णय लीजिए, ठीक है, कि आपने सांस को रोक दिया, फिर जी क्या होगा उसको ऑब्जर्व करिए। तो शरीर में वायु की कमी होगी, ठीक है, अब शरीर वायु की मांग करेगा। आप सांस मत लीजिए, नाक पे दबाव बनेगा, आप सांस मत लीजिए। आप पाएंगे जितने भी हमारे शरीर में छिद्र हैं उन सब पे दबाव बनेगा, कान पे दबाव बनेगा, है ना, कहीं से हवा मिल जाए। आप अभी भी निर्णय लीजिए कि नहीं, ये सांस नहीं लेना अंदर। जब तक आप नहीं कहेंगे, जब तक आपका निर्णय नहीं होगा, है ना, सांस अंदर नहीं जाएगी। वो अब आप संवेदना एक पॉइंट पे मजबूर कर कहते देगी। हैं जी 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 जी, आप एक पॉइंट पे कहते हैं भाई जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, ये हाँ एक्सपेरिमेंट बाद में हो हाँ जाएगा। हाँ तो हमने कहीं ये ये महत्वपूर्ण माना हुआ है कि शरीर को जीवित रखना है, ठीक हाँ, है ना। वो संवेदना अदरवाइज मजबूर कर लोग देगी सुसाइड, जी भैया। करने के लिए इतना सारा उपक्रम बनाते हैं, जबकि सिंपल सा काम है, आप 3 मिनट सांस रोकिए, शरीर खत्म। बट हाँ हम वही वो तो निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जी जीने की आशा बनी रहती है। जी हम शरीर को जीवंत रखना चाहते हैं, शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक, और अपने आप से शरीर को क्यों मारेंगे हम। जी तो किसी पॉइंट पे आप ही निर्णय लेते हैं, शरीर में चाहे वायु कितनी कमी हो जाए, आप ही निर्णय लेते हैं। इसको आज दिन में करके भी देखिए, अगर किसी को भैया मैंने पिछली बार करके देखा था, मैं 2-3 सेशन सुन रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से संवेदना मजबूर कर देती है हमको निर्णय लेने के लिए, या वही कि जो जीना आवश्यक है इसलिए हम उसको निर्णय लेते हैं जीने का आवश्यक समझ के। इनफैक्ट, और ठीक से देखिए, हमारी ये जी स्वीकृति कि कुछ भी वही शरीर को तो चलाए रखना है ना। जी, अब मॉर्निंग ठीक सेशन का ये उपचार तो नहीं हुआ कि भाई शरीर ही चला गया। तो आप कहते भाई ठीक है, ये है सब बात ठीक है ना, पर शरीर जी। को मार थोड़ी देना है। तो आप ही नहीं निर्णय अटका लेते। जी भैया, और निर्णय की मजबूरी भी है, मजबूरी तो है हमारा, हमने अपना निर्णय जो है वो संवेदना की नहीं मजबूरी नहीं में अभी लिया आप है। अच्छी दीजिए, मजबूरी नहीं है, मजबूर होने अच्छा का आपने निर्णय लिया हाँ ये ठीक है, हाँ ये और भी अच्छा है है। जी भैया। हाँ जी भैया जो अटक रहा था तो मैंने कहा पूछ लूँ इस बात को, छोटी सी है लेकिन पूछ ली जी भैया, धन्यवाद भैया, बढ़िया भैया। जी, बढ़िया भैया। इस बढ़िया भैया बॉक्स में मैसेज है, नवजात शिशु में सांस प्रक्रिया कैसे चलती है, ऐसे ही जैसे आप में चल रही है। तो नवजात मतलब उत्पन्न हो गया, शरीर से बाहर आ गया, तब तो उसको नवजात शिशु कह रहे हैं। अगर गर्भ में है तो माता के अंगों से सांस मिलती है बच्चे को, है ना। एक बार शरीर से बाहर आ गया तो उसमें भी लंग्स काम कर रहे होते हैं, इसलिए आप पाएंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। रोने का मतलब वो लंग्स को एक्टिव करता है, तो जब रोता है तो उसके लंग्स खुल जाते हैं, तो जो बॉडी का पूरा मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है। तो नाक से अब सांस जा रही है, पहले है ना, जो शरीर के अंदर माता के गर्भ में अंग बने हुए थे उनसे सांस जा रही थी, अब वो खुली हवा में सांस ले रहा है। तो लंग्स अभी उसके लिए तैयार नहीं है, तो आप पाएंगे कि फिर बच्चा रोता है और मुंह खोलकर भी रोता है। मतलब तो उससे क्या होता है, उसका शरीर अंग खुल जाता है, अब वो ज्यादा ठीक से सांस ले पाता है। बच्चे का सेल्फ स्वयं को कैसे नियंत्रित करता है, जैसे अभी आप कैसे कर रहे हैं, तो आप ही हैं वो बच्चा आप ही थे, उसको ऑब्जर्व करिए। अभी भी है ना, जितना हमारा संस्कार बना हुआ है उसके अनुसार हम अपने आप को समझ पाते हैं, उतना ही हम शरीर को समझ पाते हैं। और मुद्दा नियंत्रित करने का नहीं है, बेसिकली वो तो एक इकाई के रूप में है ना, सुख की चाहना बनी हुई है। शरीर साधन के रूप में मिला है, उस साधन को बनाए रखना है, स्वीकृति भी है अपने आप में, उसके अनुसार क्रिया करते हैं। बढ़िया, और कोई मैसेज है चैट बॉक्स में। तो आज हम इस असाइनमेंट को करें, और इसमें मुख्य रूप से ये जो तीसरी बात है ना, कि कार्य को धीमी गति से करते हुए, जैसे इसको आप दिन में कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट करिए इसको। कोई भी काम करना है धीमे से करना है, उठना है तो धीरे धीरे उठना है, चलना है धीरे धीरे चलना है, कुछ चीज उठानी है तो धीरे धीरे उठानी है, रखनी है तो धीरे धीरे रखनी है, और हर बार ऑब्जेक्ट पर निर्णय अपना।
जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं ना, उसको भी ऑब्जर्व करिए। कोई आहट हुई और सिर उधर घूम गया, ठीक, मोबाइल में घंटी बजी और सिर उधर घूम गया, आंख के सामने कीड़ा आया और पलकें बंद हो गई, कोई आहट हुई जोर से धड़ ये सब भी कैसे हो रहा है, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें। जी, समय हो चला है कि आज कंक्लूड कर लेते हैं। असाइनमेंट आज के लिए यही रहेगा, जो सामने डिस्प्ले पे है उसको करें हम। जी बढ़िया, जी धन्यवाद भैया। आज इस स्टेप टू में हमें इस आदान प्रदान के बारे में बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करने के लिए, और आज पूरा दिन मुझे लगता है हम सभी का ध्यान अपनी एक्शंस पर बना रहेगा और निर्णय जो ले रहे हैं उसको भी देख पाएंगे। तो इसी के साथ हम रुकते हैं भैया। जी, रोक लेते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते। जी नमस्ते।